जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बस्तर के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय और मां दंतेश्वरी शक्ति केंद्र बनाने का उन्होंने ऐलान किया है। बस्तर के सभी जिलों में शक्ति केंद्र बनेगा। जवांगा एजुकेशन हब को विकसित करने का उन्होंने ऐलान किया है। स्पोर्ट्स सिटी के रूप में इसे विकसित करने का ऐलान किया गया है। पालनार बड़े गुडरा में कन्या छात्रावास खोलने का ऐलान किया गया है। बरगुम कोटाली नहाड़ी में आश्रम छात्रावास बनाने का ऐलान किया गया है। जावंगा में महाविद्यालय का नाम वीरांगना मासक देवी करने की घोषणा उन्होंने की है। बस्तर के 7 जिलों में 2-2 उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाएंगे। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि नाम तय हैं और कभी भी उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। राजनांदगांव से लड़ने पर उन्होंने कहा कि पार्टी जैसा आदेश देगी वो वैसा करेंगे, पार्टी के वो सिपाही हैं। पहले हालांकि उन्होंने लड़ने से मना किया था, लेकिन अगर पार्टी चाहती है तो चुनाव लड़ूंगा। सीसी की बैठक हो गई है और उसमें कभी भी लिस्ट जारी हो सकता है। पार्टी हाईकमान जो तय करे, क्योंकि अब लड़ाने की जिम्मेदारी दे रही है कि लड़ने की जिम्मेदारी दे रही है, पार्टी तय करे। भाई अब सभी लोग चुनाव लड़ेंगे तो कोई लड़वाने वाला होना, ताकि पूरे प्रदेश भर घूमो तो उसका फायदा हो पार्टी को। अब यदि पार्टी तय करती कि तुमको लड़ना है तो अपन तो फिर सिपाही है, जो आदेश हाईकमान का होगा मानना ही। बस्तर के बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत 8 पदाधिकारियों ने पत्र लिखकर जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। दरअसल बीजापुर में नक्सलियों के टारगेट पर है बीजेपी के नेता। विधानसभा चुनाव में एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। बीते दिनों नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला युवा मोर्चा समेत अन्य नेताओं ने अब लोकसभा चुनाव में जेड श्रेणी की सुरक्षा मांगी है। एक हफ्ते के भीतर 2 स्थानीय बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है और पूरे एक साल का आंकड़ा उठाकर देखा जाए, 10 महीने का उठाकर देखा जाए तो 9 से 10 इस तरह के मामले सामने आए हैं। दस मार्च को मिलेगी महतारी वंदन योजना की राशि और सीएम साय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। रायपुर के साइंस कॉलेज में एक बड़ा आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। इधर बालोद में मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। पूजा के दौरान यह हमला हुआ है। डोंडी थाना परिसर में मंदिर है जहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और उसी दौरान मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। पूजा के दौरान